चुनाव आयोग को एक SLP भी का भी सामना करना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये लिटिगेशन पेंडिंग है। शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे तो आ गए, लेकिन नतीजों पर बगावत हो गई है। कांग्रेस ने इस नतीजे को स्वीकारने से इनकार कर दिया है और फिर EVM समेत तमाम ऐसे मुद्दों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, चुनाव में धांधली के भी आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग से भी कांग्रेस भिड़ गई है और चुनाव आयोग का जवाब भी आया है। कहा जा रहा है कि हरियाणा के कई ऐसे क्षेत्रों में मतगणना के दौरान कांग्रेस ने भारी गड़बड़ी ऑब्जर्व की है। कुछ तो मीडिया के सामने आकर बताए भी और कुछ बातें यहां जयराम रमेश और पवन खेड़ा बताते हुए नजर आए। हालांकि CEC राजीव कुमार की अध्यक्षता वाली जो यह संस्था है चुनाव आयोग, वो साफ तौर पर हमेशा की तरह इनकार कर रहा है और कह रहा है कि इल फाउंडेड एलिगेशंस हैं, मैं इसे नहीं मानता। मैं जयराम रमेश के उस पत्र को भी खारिज करता हूं, खेरा जी के उस स्टेटमेंट को भी खारिज करता हूं। सबसे लेटेस्ट में अभी पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस हार को स्वीकारने से इनकार कर दिया है। जरा आप भी यहां सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें, हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे। तो सुना आपने, पवन खेड़ा खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी बताना शुरू किया कि कहां कहां गड़बड़ी है। बैटरियों को लेकर सवाल खड़े हुए कि EVM की बैटरी जो स्टोर की हुई थी वो चार्ज कैसे थी 99.9% तक, और उसमें सिर्फ BJP को ही कैसे वोट पड़ रहे थे। पवन खेड़ा ने जो यह दावा किया है वो किस आधार पर किया है, उसके लिए जरा आप काउंटिंग रूम के बाहर कांग्रेस के इस नेता के बयान को सुनिए। समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी, 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए, तीसरे राउंड में 6 EVM ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई, और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60-70% इंक्रीज आ रहा है, बाकी जो नॉर्मल EVM हमारी खुल रही है राउंड में जिसमें 70-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं, अंदर सबके एजेंट मौजूद है, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है उसमें खाली एक BJP ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%। क्वेश्चन इज दिस। तो सुना आपने, पवन खेड़ा ने क्या गलत कहा, जो सामने दिखा वो बताया, लेकिन चुनाव आयोग अगर कह दे मैं नहीं मानता तो आपको यकीन करना पड़ेगा। भाई, चुनाव आयोग ने कह दिया कि सब बात झूठ है तो झूठ मान लीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा में वही हुआ है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखा। तमाम एग्जिट पोल कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनने से कौन रोक लेगा भाई, और फिर जो आंकड़े उनके हिस्से जाने वाले थे, यानी कांग्रेस के हिस्से जाने वाले थे, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, वो BJP के खाते में गए। तो क्या एग्जिट पोल लेबल लगाने में गलती कर देती है? वो सर्वे ठीक कर रही है, वो आंकड़े ठीक निकाल रही है, लेकिन पार्टी BJP की जगह कांग्रेस कर देती है और नतीजे BJP के फेवर में आ जाते हैं।
यह हर किसी को हैरान कर रहा है या वाकई में जो पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है, क्या वही बात है? इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। अब दोनों पर बड़ी बहस छिड़ गई है क्योंकि जब कांग्रेस ने इस हार को एक्सेप्ट करने से इनकार किया है तो मामला यहां अदालत तक भी जाने की गुंजाइश है, या सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है, हाई कोर्ट में याचिकाएं पड़ सकती हैं, किसी भी लेवल तक बात पहुंचने की पूरी संभावना यहां नजर आ रही है। 99% का मतलब है बीजेपी धांधली कर रही है, मशीनों में गड़बड़ की गई है और इस बैटरी से रिलेटेड चुनाव आयोग को एक SLPB का भी सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये लिटिगेशन पेंडिंग है। मेरा नाम संजीव चौधरी है, मैं बुले शाह जी का, श्री वीरेंद्र शाह का एजेंट हूँ, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। अब हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि जयराम रमेश ने क्या कहा था उस पत्र के जरिए और उसके बाद कांग्रेस के इस आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब क्या आया था। आप अपने स्क्रीन पर यह पत्र देख सकते हैं जिसे जयराम रमेश ने लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि ऑन द इनऑर्डिनेट एंड अनएक्सेप्टेबल डिले इन अपडेटिंग ट्रेंड्स इन द हरियाणा असेंबली इलेक्शंस। क्यों वहां पर चुनावी प्रक्रिया धीरे कर दी गई पैच, क्यों वहां मतगणना की प्रक्रिया धीरे कर दी गई, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि मैं इस पत्र में लगाए गए किसी भी आरोप को मानने से इनकार करता हूं, हमारी प्रक्रिया बहुत तेज है, बहुत अच्छे से चल रही है, तो कांग्रेस हम पर कोई आरोप ना लगाए। अब चुनाव आयोग ने मना कर दिया तो मान लीजिए। चुनाव आयोग ने क्या कहा एग्जैक्टली वो भी हम आपको उनके ट्वीट के जरिए दिखा देते हैं। यहां कहा जा रहा है कि इसी डिसमिसेज अनफाउंडेड एलिगेशंस बाय श्री जयराम रमेश रिगार्डिंग स्लो डाउन इन अपडेटिंग रिजल्ट्स ऑफ हरियाणा इलेक्शंस 2024 अप्रोक्स 25 राउंड्स अक्रॉस ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर बींग अपडेटेड एवरी 5 मिनट्स, काउंटिंग इज बींग डन एज पर स्टेचुटरी प्रोविजंस। अब इससे आप समझिए कि चुनाव आयोग ने कह दिया कि भाई हम क्लियरली मान लेते हैं कि जो हमने कहा है वही सच है, ब्रह्म लकीर है, अब इसके इतर कुछ नहीं हो सकता है। जबकि आप जानते हैं द क्विंट पर एक रिपोर्ट छपी थी काफी पहले जिसमें बताया गया कि EVM वोट काउंट मिसमैच इन 370+ सीट्स एंड EC रिफ्यूजेस टू एक्सप्लेन। ये खेल चलता है। तो EC की आदत है कि वो बात बात पर हर एक चीज को रिफ्यूज कर दे, वो जो कह दे वो सही है, क्योंकि वहां जो अब लोग बैठे हैं वो मोदी जी के पसंद के बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर जो नतीजे आएंगे और नतीजे पर आरोप भी लगा दिए जाए तो भी इस आरोप पर कोई आपको सॉलिड आंसर नहीं मिल सकता है, यह क्लियर है। तो इसमें आपने जयराम रमेश, पवन खेरा और उस व्यक्ति के भी बयान देखे जिसने इस चुनाव की गड़बड़ियों को उजागर करने की कोशिश तो की है, हिम्मत तो की है, लेकिन इसे चुनाव आयोग मानने से इनकार कर रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस पर इस संबंध में रिपोर्ट भी छपी, चूंकि पानीपत के कई विधानसभा सीटों पर, जो चार इस जिले के अंतर्गत आते हैं, वहां चारों विधानसभा सीट पर जो है एक सवाल था और इसी में एक आता है समालखा की सीट, जिसे मैं बताना भूल गया था आप लोगों को कि एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी कि कैसे धर्म सिंह छोकर को जो वोटिंग होने वाली थी उससे 2 दिन पहले अरेस्ट करने की बात सामने आई थी। ED एक्टिवेट हो गई थी, हाई कोर्ट का आदेश आ गया था और एडवोकेट जनरल ने कहा था कि धर्म सिंह छोकर सरेंडर करो नहीं तो पुलिस ले जाएगी घसीट कर। उस व्यक्ति की, धर्म सिंह छोकर की, फाइनली वहां हार हो गई है। तो यह समझ से पड़े है और हार जीत के फासले भी बहुत कम के बताए जा रहे हैं और यह आंकड़े कहीं ना कहीं बेचैन और परेशान करने वाले हैं कि आखिर EVM का ही बोलबाला होगा। दिन की शुरुआत जब हुई थी सुबह में तो वहां पर आंकड़े बताए जा रहे थे कि भाई साहब कांग्रेस पोस्टल बैलेट में काफी आगे है और उसके बाद क्या हुआ कि EVM से BJP की लहर शुरू हो गई और BJP जीत गई।
जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हार मायने नहीं रखती, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी केंद्र से तमाम ऑपरेशन होंगे, तो वहां के मुख्यमंत्री चाहकर भी केजरीवाल से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, वो बस उसी तरीके से कंट्रोल होते रहेंगे, क्योंकि केंद्र अपना शिकंजा वहां कसता रहेगा। तो एक तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ बिगुल तो फूंका गया है, देखना यह होगा कि मामला कितनी दूर तक जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।